नमस्कार, मैं आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। रंजीतपुरा गांव विवाहिता हत्याकांड मामला, 24 घंटे में पुलिस ने हत्या का किया पर्दाफाश। पति ने कुल्हाड़ी से काटकर की थी विवाहिता की हत्या। लाश को सरसों के खेत में फेंका था। कोलारी थाना इलाके के गांव रंजीतपुरा में 28 और 29 जनवरी के दरमियानी रात 25 साल की विवाहिता की धारदार हथियार से काटकर की गई थी हत्या। पुलिस ने 24 घंटे में किया पर्दाफाश। हत्या के आरोपी पति को थाना इलाके से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पति ने कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या कर लाश को सरसों के खेत में फेंक दिया था। कोलारी थाना प्रभारी मानसिंह ने बताया कि 28 जनवरी की रात्रि को थाना इलाके के गांव रंजीतपुरा में 25 वर्षीय विवाहिता मधु पत्नी जितेंद्र कुशवाहा की हत्या कर लाश को गांव के बाहर सरसों के खेत में फेंक दिया था। 29 जनवरी को सुबह स्थानीय ग्रामीणों ने लाश को सरसों के खेत में पड़ा हुआ देखा था। घटना की सूचना स्थानीय ग्रामीणों द्वारा पुलिस को दी गई। मौके पर सीओ बाबूलाल मीणा और पुलिस बल के साथ घटना स्थल का मौका मुआयना किया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि मौके पर विवाहिता का शव खून से लथपथ अवस्था में मिला था। घटना से मायके पक्ष के लोगों को भी अवगत कराया गया। पीहर पक्ष की मौजूदगी में विवाहिता का मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया। थाना प्रभारी ने बताया मायके पक्ष के लोगों ने ससुराली जनों पर हत्या दहेज का आरोप लगाते हुए अभियोग दर्ज कराया था। परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराकर लाश को सुपुर्द कर मामले में अनुसंधान शुरू किया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि हत्या के शक में हुई सुई पति जितेंद्र की तरफ घूम रही थी। मंगलवार को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पति जितेंद्र पुत्र ओम प्रकाश को थाने इलाके से हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। आरोपी पति ने कड़ाई से पूछताछ करने पर हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। थाना प्रभारी ने बताया कि हत्या आरोपी पति का आचरण ठीक नहीं था। 28 जनवरी की रात को आरोपी विवाहिता को गांव के बाहर खेतों की तरफ ले गया। कुल्हाड़ी से आरोपी ने हत्या कर डेड बॉडी को सरसों के खेत में फेंक दिया। हत्या को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी जितेंद्र को गिरफ्तार कर पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। हत्या में प्रयोग किए गए धारदार हथियार बरामद किए जा रहे हैं। अनुसंधान के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। बाड़ी शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के गुमट बाबड़ी मोहल्ले में सोमवार की देर शाम एक महिला ने ग्रह कलेश के चलते विषाक्त का सेवन कर लिया। जब महिला की तबीयत बिगड़ी तो परिजन उसे लेकर अस्पताल आए। यहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर महिला को जिला अस्पताल रेफर किया। जानकारी के अनुसार गुमट बाबड़ी क्षेत्र निवासी 28 वर्षीय महिला पूनम पत्नी भागीरथ कोली ने ग्रह कलेश और झगड़े से तंग आकर घर में रखी किसी विषाक्त का सेवन कर लिया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। घटना के बाद जब महिला की हालत बिगड़ी तो परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर आए, जहां मौके पर मौजूद चिकित्सक डॉक्टर रूपेंद्र शर्मा ने प्राथमिक उपचार के बाद महिला की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया। अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर रूपेंद्र शर्मा ने बताया कि महिला ने घर में किसी विषाक्त का सेवन कर लिया, जिसकी वजह से उसकी तबीयत लगातार बिगड़ रही है। ऐसे में प्राथमिक उपचार देकर जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया है। हालांकि घटना के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है, फिर भी प्राथमिक दृष्टि से ग्रह कलेश और घर में हुए किसी झगड़े के बाद महिला ने विषाक्त का सेवन किया, जिसको लेकर पुलिस की सूचना पर कार्यवाही की जा रही है। आज भाजपा जिला कार्यालय धौलपुर पर गांव चलो अभियान को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश मंत्री गिरधारी सिंह तिवारी रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला प्रभारी और पूर्व सांसद रामस्वरूप कोली, संभाग प्रभारी विस्तारक राजवीर रजावत रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष सतेंद्र पारासर ने की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश मंत्री ने कहा कि लोकसभा के निमित्त हम सब कार्यकर्ताओं को एक एक गांव जाकर रात्रि विश्राम करना है, अतः लोगों से केंद्र की जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में चर्चा करें तथा योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं या नहीं इसकी भी जानकारी लें। जिला प्रभारी रामस्वरूप कोली ने कहा कि हम सभी कार्यकर्ताओं को गांव-गांव जाकर केंद्र की जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में अधिक से अधिक चर्चा करनी है व इन योजनाओं से मिलने वाले लाभ के बारे में बताना है तथा उनको इन सभी योजनाओं का लाभ भी दिलवाना है।
इस अवसर पर जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारासर ने सभी अतिथियों का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। बैठक में अभियान के जिला संयोजक नवल लोधा, सह संयोजक ओंकार कटारा, पूर्व विधायक गिरिराज सिंह, सुखराम कोहली, अविनाश शर्मा, शैलेंद्र यादव, आईटी संभाग प्रभारी एडवोकेट राजू गुर्जर, सोशल मीडिया संभाग प्रभारी हरेंद्र राव, पुष्पेंद्र रजावत, योगेश प्रताप जादोन, नवीन तिवारी, पार्षद चंद्र प्रकाश शर्मा, मंडल अध्यक्ष मुस्ताक कुरेशी, महिला मोर्चा जिला संयोजक कल्पना शर्मा, शिप्रा गर्ग, सोशल मीडिया जिला संयोजक ऋतिक वर्मा सहित जिले के वरिष्ठ पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। मंच का संचालन धीर सिंह जादोन ने किया। राजाखेड़ा में महात्मा गांधी की मनाई 76वीं पुण्यतिथि। राजाखेड़ा में आज महात्मा गांधी की 76वीं पुण्यतिथि स्थान गांधी चबूतरा पर धूमधाम से मनाई गई। उपखंड अधिकारी राजाखेड़ा शास्त्री जैन ने गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादोन के द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया एवं उपग्रह अधिकारी सृष्टि जैन, नगरपालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादोन, उपाध्यक्ष नगरपालिका के प्रतिनिधि नाहर सिंह जाटव ने महात्मा गांधी की जीवनी एवं कार्यशैली पर प्रकाश डाला और 2 मिनट का मौन रखकर सभी आगंतुकों ने स्वर्गीय महात्मा गांधी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी एवं चौकीलाल वाल्मीकि द्वारा भजन कीर्तन गाए गए। श्रद्धांजलि सभा में उपखंड अधिकारी सृष्टि जैन, नगरपालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादोन, तहसीलदार टिकेंद्र सिंह, समाज कल्याण अधिकारी आरुषि गुप्ता, जेएन बिजलीघर, महिला बाल विकास विभाग, पंचायत समिति के प्रतिनिधि एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति श्रद्धांजलि सभा में मौजूद रहे तथा मंच संचालन आचार्य राकेश कुमार उदेनिया के द्वारा किया गया। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। बसेड़ी के उच्च माध्यमिक विद्यालय हायर सेकेंडरी स्कूल में राज्य सरकार के निर्देशानुसार संवेदनशील सुशासन पर कार्यशाला की मीटिंग का आयोजन किया गया जिसमें बसेड़ी के सभी विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे जिसमें मुख्य अतिथि बसेड़ी उपखंड अधिकारी राम सिंह रजावत रहे। बसेड़ी उपखंड अधिकारी ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि सभी विभाग के कर्मचारियों को समय पर अपने अपने ऑफिस में पहुंचना है जिससे कोई भी आम आदमी अपने कार्य को लेकर किसी भी अधिकारी की ऑफिस के बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़े, साथ ही सरकार की सभी योजनाओं का लाभ ले सके और साथ ही सभी विभाग के कर्मचारियों को यह शपथ दिलाई कि सभी कर्मचारियों को अपने अपने पद का सही उपयोग करेंगे और साथ ही जनता की सेवा करेंगे। इस मौके पर बसेड़ी तहसीलदार रवि मीणा, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राजेंद्र कुमार मीणा, विकास अधिकारी दीवान सिंह, नगरपालिका ईओ योगेश कुमार पिप्पल, सतीश चंद्र योगी जीएसएस बसेड़ी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी महेश बंसल, मंच संचालन नहार सिंह शाक्य, शिक्षा विभाग एवं बाल विकास और जल विभाग और अन्य सभी विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। बसेड़ी से पुनित परमार की रिपोर्ट। राजकीय विद्यालय वटिकरा में मनाया गया वार्षिक उत्सव। सरमथरा उपखंड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वटिकरा में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर दीप जलाकर की गई। वार्षिक उत्सव कार्यक्रम के दौरान कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि शंकर लालपति मीना और दिनेश शर्मा रहे। कार्यक्रम के दौरान भामाशाह सम्मान तथा पुरस्कार वितरण भी किए गए। इस अवसर पर बच्चों द्वारा नृत्य, लोकगीत, कविताएं, नाटक आदि का प्रदर्शन किया गया तथा बच्चों को पुरस्कार भी प्रदान किए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता पत्साराम सरपंच द्वारा की गई तथा विद्यालय के प्रिंसिपल दुर्ग सिंह मीणा ने बच्चों के मनोबल को बढ़ाने हेतु विचार भी प्रस्तुत किए। मंच का संचालन विनोद कुमार परसोया द्वारा किया गया। इस अवसर पर विद्यालय स्टाफ की ओर से केशव दयाल मीणा, राम सहाय मीणा, राम कुमार प्रजापति, गंभीर सिंह, मनु शर्मा, धर्मेंद्र कुमार, जितेश मीणा, अर्चना मित्तल, दिग्विजय सिंह मौजूद रहे। सरमथरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बसेनी में धूमधाम से मनाया वार्षिक उत्सव और पूर्व छात्र सम्मान समारोह। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वसई धौलपुर में संस्था प्रधान विनोद कुमार वंसल की अध्यक्षता में वार्षिक उत्सव और छात्र सम्मान समारोह बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम का प्रभावी संचालन चंद्रशेखर शर्मा द्वारा किया गया। यहां वार्षिक उत्सव एवं छात्र सम्मान समारोह में भामाशाह द्वारा सहयोग प्रदान किया गया। स्थानीय विद्यालय के संस्था प्रधान और समस्त स्टाफ द्वारा अतिथियों का माला और साफा पहनाकर भव्य स्वागत सम्मान किया गया।
और संसद प्रधान विनोद कुमार बंसल ने अपने उद्बोधन में कहा कि राज्य सरकार की मंशा के अनुसार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वसई नीम में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ स्वच्छ चरित्र निर्माण और राष्ट्रभक्ति की भी शिक्षा दी जाती है। स्थानीय विद्यालय के द्वारा मेधावी छात्रों को पुरस्कार स्वरूप प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। अतिथि जनरल सिंह, एडवोकेट कप्तान सिंह, सरपंच बच्चन सिंह, एसडीएमसी अध्यक्ष चंदन सिंह, कंपोटर सिंह, राम खिलाड़ी सुरेश, भरत सिंह, रामस्वरूप चरण सिंह, महावीर प्रसाद, राम खिलाड़ी आदि सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे और कार्यक्रम की प्रशंसा की और कहा कि इस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम विद्यालय में होना बहुत जरूरी है। धौलपुर जिले के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भैसाख में वार्षिक उत्सव सम्मान समारोह एवं पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि अतिरिक्त ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी सविता सिंह और बाके लाल गौरव पारसर एवं भगवती सरपंच रहे। विद्यालय के प्रधान अध्यापक गोकुल चंद्र त्यागी की अध्यक्षता में छात्रों और छात्राओं ने प्रतियोगिता में बढ़ चढ़ कर भाग लिया और मंच संचालन कृष्ण कुमार यादव शारीरिक शिक्षक द्वारा किया गया। स्टाफ द्वारा सभी बच्चों का मनोबल बढ़ाया और भामा शाहू द्वारा बच्चों को इनाम भी दी गई। भामा शाहू में रघुवीर सिंह, श्याम लाल, वृंदावन है सिंह, धनीराम आदि लोग मौजूद रहे। समारोह में विद्यालय के अध्यापक संजय सेन, हरिओम मोहम्मद, अक्रम गार्गी, सुतेल प्रवेश शर्मा, गुंजन पचौरी, कविता प्रीति लोधी, संगीता शर्मा उपस्थित रहे। इस अवसर पर SMC अध्यक्ष कृष्ण कुमार और उपाध्यक्ष राम किशन मौजूद रहे।